अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है और वन की इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्स पावर पी है और ये है एक्स पावर क्यू। एक्स पावर क्यू को हमने ऊपर लेके जाना है। तो एक्स पावर पी तो पी है और ये एक्स पावर पॉजिटिव क्यू ऊपर जाके नेगेटिव क्यू हो जाएगा। पावर में पी प्लस क्यू क्रॉस एक्स पावर क्यू डॉट एक्स पावर पॉजिटिव आर ऊपर जाके नेगेटिव आर आ जाएगा। ठीक है, क्यू प्लस आर क्रॉस एक्स पावर आर है डॉट एक्स पावर नेगेटिव पी। ठीक हो गया, ऊपर पावर जो है आर प्लस पी। सो इसके बाद ये बेसिस जो हैं ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे पी माइनस क्यू एंड होल पावर पी प्लस क्यू क्रॉस। ये भी इस तरह एक्स पावर क्यू माइनस आर पावर में क्यू प्लस आर क्रॉस एक्स पावर आर माइनस पी एंड होल पावर आर प्लस पी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब कभी एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो उसी को हम लिख सकते हैं कि एक्स पावर एम एंड एन। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों पावर हैं एक्स पावर पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू क्रॉस एक्स पावर क्यू माइनस आर एंड क्यू प्लस आर क्रॉस एक्स पावर आर माइनस पी एंड आर प्लस पी। ठीक हो गया, अब देखो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूले हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, बेस को हम बेस लिख लेंगे और पावर उसी तरीके से हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्रॉस एक्स पावर ये भी इस तरह क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्रॉस एक्स पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ये सारे बेसिस जो हैं सेम हैं, एक्स बेस है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो नेगेटिव पी स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव क्यू स्क्वायर पॉजिटिव ये सारा कैंसिल हो जाएगा और एक्स के पावर में रह जाएगा ज़ीरो। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर में ज़ीरो आ जाए तो वन की कुल आता है। तो ये हमारा रिजल्ट। थैंक यू।